गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ 10,000, 100 एंड 1,000 ऑफ क्लास थर्ड ऑफ चैप्टर आल्सो थर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट एडिंग 10। ओके, 10 को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल 647 + 10। वाट? 647 + 10 मीन्स हाउ वी एड दिस? सो लेट्स सी, वी फर्स्टली राइट डाउन 647 देन 10। ओके, राइट डाउन, सी 7 + 0, what we get? 7. 4 + 1, what we get? 5. Okay, now 6 remains 6. Okay, so जब आप 10 ऐड करेंगे तो टेंस प्लेस के डिजिट में इंक्रीज होगा। ओके, आर यू गेटिंग? यस, तो ऐसे आपको ऐड करना है। ओके, नाउ कम टू एडिंग 100। ओके, तो एडिंग 100, तो हमारे पास क्या है? ये नंबर है 9,425। तो इसमें आप 100 प्लेस को आप आइडेंटिफाई करिए, है ना? तो इस नंबर में 100 प्लेस कौन सा है? 4 का। ठीक, तो 4 से लिखना शुरू करेंगे, पीछे तक 1 प्लेस तक 100 ऐसे लिख लेंगे, देन वी ऐड। ओके, तो चेंजिंग कहाँ होगा? 100 प्लस में। ओके, सो लेट्स सी, 5 + 0 = 5, 2 + 0 = 2, 4 + 1 = 5 एंड 9। ओके, आर यू गेटिंग? तो ऐसे हम क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, नाउ मूव टू नेक्स्ट। एडिंग 1,000, फॉर एग्जाम्पल 6,937 + 1,000। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? 6,937, इसमें 1,000 ऐड करेंगे तो किस प्लेस पे चेंजिंग होगा? 1,000, और बाकी सब क्या होगा? रिमेन सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, 7 + 0 = 7, 3 + 0 = 3, 9 + 0 = 9, 6 + 1 = 7। ओके, आर यू गेटिंग? गुड, तो ऐसे आप क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे, 1,000 को ऐड करेंगे। ओके, लेट्स मूव, सी सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, अभी जो एग्जांपल्स देखे उनके अलावा कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। 26 + 50। ओके, तो 50 मीन्स टेंस प्लस पे चेंज क्या है? 5 है, 1 पे 0, तो कहाँ चेंजिंग होगी? टेंस प्लस में, मीन्स वी ऐड 2 + 5 = 7 और 6 + 0 = 6। ओके, वी गेट 76। ओके, नाउ 149 + 400, तो 1 प्लस पे 1 प्लस पे क्या होगा? सेम होगा। टेंस प्लस पे भी क्या होगा? सेम होगा, बट 100 प्लस क्या होगा? चेंज होगा। ओके, सो 9 + 0 = 9, 4 + 0 = 4 एंड 1 + 4 व्हाट? 5। आर यू गेटिंग? गुड, सेम लाइक दिस आल्सो। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3C। व्हाट? एक्सरसाइज 3C। सी द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, यू कैन डू इट इजिली। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। सी हियर एस्टिमेटिंग द सम। एस्टिमेटिंग मीन्स क्या होता है? अनुमानित योग। ओके, मीन्स जो भी योग होगा, एडिशन होगा,
उसको हम एस्टिमेट करके करेंगे, अनुमानित करके करेंगे या राउंड ऑफ करके करेंगे. ओके लेट्स सी, वी हैव लर्नड राउंडिंग ऑफ इन द चैप्टर फर्स्ट. हम लोगों ने क्या सीखा था चैप्टर फर्स्ट में, राउंडिंग ऑफ सीखा था. ओके वी कैन यूज द राउंडिंग ऑफ टू एस्टिमेट द सम ऑफ टू नंबर्स. तो हम राउंडिंग ऑफ का यूज करेंगे किस लिए, एस्टिमेट करने के लिए इसको, दो नंबरों का सम को. ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 विल रिजल्ट इन द एस्टिमेटेड आंसर टू बी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वन. क्या राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कहाँ करना होगा, नियरेस्ट 10 को हमको राउंड ऑफ करना होगा, फिर विल रिजल्ट इन द एस्टिमेटेड आंसर, फिर उन एस्टिमेटेड वैल्यूज को क्या करेंगे हम पुट करेंगे और वो हमें एक्चुअल आंसर्स के क्लोजेस्ट आंसर प्रोवाइड करेगा. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट. नाउ सी, एस्टिमेशन गिव्स अ रफ आर एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सम. एप्रोक्सीमेट का मतलब जानते हैं लगभग, क्या लगभग. तो जो सम मिलता है वो लगभग मान हमें बताता है. ठीक है सी एग्जांपल फर्स्ट, ट्विंकल हैज 4536 स्टैम्प्स ऑफ इंडिया, 2102 स्टैम्प्स ऑफ यूएसए एंड 1938 स्टैम्प्स ऑफ यूके. एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टैम्प्स शी हैज इफ शी राउंड्स ऑफ ऑल द नंबर्स टू नियरेस्ट 10. तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को. ट्विंकल हैज, ट्विंकल के पास इतना स्टाम्प इंडिया का है और इतना स्टाम्प्स यूएसए का है और इतना स्टाम्प यूके का है. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टाम्प्स. हमें एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है कि अनुमान लगाने के लिए कह रहा है कि उन स्टाम्प्स का संख्या अनुमानित करिए. फिर शी हैज, जो उसके पास है, इफ शी राउंड्स ऑफ ऑल द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, अगर वो सभी नंबर्स को कहाँ राउंड ऑफ किया हो, नियरेस्ट 10. ओके जब नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ किया हो तब उसका अनुमानित मान क्या होगा बताइए. तो लेट्स सी, ट्विंकल हैज अप्रोक्सीमेटली, लगभग ट्विंकल के पास क्या है, स्टैम्प्स ऑफ इंडिया कितना, 4540. ओके और इसको टेंस के राउंड ऑफ करना हो, टेंस नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना हो तो हम वंस प्लेस को चेक करेंगे. तो वंस प्लेस पे क्या है, जीरो. ठीक है, नो सॉरी, ये नंबर है ना 4536, तो इसमें चेक करिए. तो टेंस प्लेस के नियरेस्ट, तो हम टेंस प्लेस को देखते हैं. तो टेंस प्लेस से एक प्लेस हम क्या होते हैं, बैक जाते हैं, मीन्स वी कम एट द वंस प्लेस, मीन्स दैट इज सिक्स. सिक्स को हम चेक करेंगे कि सिक्स इज व्हाट, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव. तो हम क्या करेंगे, अगले नंबर में मीन्स टेंस प्लेस के नंबर में वन ऐड करेंगे, फिर सिक्स की जगह जीरो कर देंगे. ओके सो दैट्स व्हाई हियर इज वन इज एडेड इन थ्री बिकम्स फोर एंड पुट जीरो एट सिक्स सो इट बिकम्स जीरो, मीन्स टोटली बिकम्स 4540. लाइक सेम दिस वन एंड दिस वन. ओके सो वट वी गेट 8580 एस्टिमेटेड वैल्यूज. ओके सो यू, अगर आपको नहीं समझ में आए एस्टिमेशन तो जो भी एक्सप्लेन किया हूँ उसको आप पॉज करके जरूर सुने. ठीक है, और उसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, अगर नंबर फाइव से बिलो हो तो उसके यहाँ जीरो रख देना है और अगले नंबर में कुछ भी नहीं जोड़ना है. लेट्स सी एग्जांपल, अगर अपने पास 543 हो और नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना हो तो चेक करेंगे हम टेंस को, लेकिन एक प्लेस पहले वाले डिजिट को हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, थ्री. तो ये थ्री क्या है, लेस देन फाइव. तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 543
टी मिलेगा। ओके तो ये रूल आप ध्यान दीजिएगा। ओके नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 3D। ओके इन योर एक्सरसाइज 3D यू कैन डू ना, जस्ट वेट, आई विल डू वन फॉर यू। ओके वैसे ही आपको करना होगा। ओके लेट्स सी 23 को हम क्या करना है, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है तो 2 डिजिट है तो 10s पे ही मिनिमम क्या होता है, नियरेस्ट 10 ही होता है, तो इसको हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो 23। तो 3 प्लेस में 3 क्या है, 5 से बिलो है, इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2 ही रहेगा, मीन्स वी गेट 20। ओके नाउ सी दिस वन 48 मीन्स 1s प्लेस 10s प्लेस से 1 डिजिट पहले आएंगे 1s प्लेस पर, 1s प्लेस का डिजिट क्या है 8, 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। ओके और 8 प्लेस पर क्या हो जाएगा 0। ओके अब दोनों को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, 3 + 8 व्हाट 11 और 2 + 4 = 6 1 = 7। ओके नाउ सी द एस्टिमेटेड सम 0 + 0 2 + 5 = 7। ओके लाइक दैट यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चन। ओके इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे, वी ओनली अप टू दिस, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।